वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैं पूजा ढिलो आज हम बात करने वाले हैं एस टी जी टी साइंस सब्जेक्ट के बारे में जिसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी क्या इसका सिलेबस रहेगा कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे कुछ आपको पढ़ना है कि आप एटलीस्ट सिक्सटी में से आपके फोर्टी फाइव टू फिफ्टी मार्क्स ले आए सब्जेक्ट वाले पेपर के अंदर जो कि आपका साइंस रहेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको करना है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने हैं बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि आप अपने एस्टेट को क्लियर कर पाएं फर्स्ट टाइम पर ही बात करेंगे टॉपिक्स की तो बायोलॉजी का सबसे पहले हम देख रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आपको जो करने हैं वो हैं सेल बायोलॉजी के अंदर आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक माइक्रोकॉन्ड्रिया सेलुलोज ये सारे आपको करने हैं सब कुछ मैं आपको डिटेल से करवाऊंगी भी वन बाय वन क्लासेस आपकी रहेंगी जिसके अंदर डिवीजन रहेगा ऑरिजन्स रहेगा सेल्स का कहाँ से कैसे हुआ है जैसे सेल आपको पता है किसने बनाया रॉबर्ट हुक ने बनाया है कौन से सन में बनाया है 1665 में बनाया ये सारे आपको याद होने चाहिए देन आपका एनिमल किंगडम हो गया विटामिन हो गए कौन सा विटामिन किस लिए यूज़ होता है और उनका ऑफिशियल नाम क्या है मतलब साइंटिफिक नेम क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका मलेरिया की लाइफ साइकिल से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई डाइजेस्टिव सिस्टम और मलेरिया लाइफ साइकिल से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्लांट किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये जो पूरा सिलेबस है आपका ये है एट टू ट्वेल्व की बायो का जो सिलेबस है वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं टी जी टी यानी सिक्स टू एट वाले पेपर के अंदर जो टीजीटी आपका पेपर होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आठवीं से बारहवीं तक के होंगे उसके बाद है एंडोसीम सिस्टम आपका ठीक है इसके अंदर हार्मोन्स ग्लैंड जिनको ग्रंथियां बोला जाता है हिंदी में ये सारे पूछे जाते हैं एक्सलेटरी सिस्टम आपसे पूछा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड हार्ट हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो सारे न्यूट्रिशंस रेस्पाइरेशन ये सभी मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगी आज से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपको आपकी की उसके बाद है आपका स्केलेटन सिस्टम जिसके अंदर आपका लिगमेंट्स हो गया टेंडन्स हो गया बोन्स बोन्स हो, हो गए ये सारे जो कौन सी लंबी बोन है कौन सी छोटी है ये सारे उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन इसके अंदर आता है इकोलॉजी इसके अंदर फूड चेन फूड वेब ट्रॉफिक लेवल ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इस पूरे बायो के चैप्टर में आएंगी सो बायो के चौदह चैप्टर हैं और चौदह चैप्टर को मैक्सिमम जो डेट लगेंगे वो फोटीन है मीन मैक्सिमम बोला ये मिनिमम तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इकोसिस्टम आपका बहुत इजी है और बहुत जल्दी हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन वैसे मोस्टली आपको प्लांट का करना है इसके अंदर बट हम दोनों ही कर लेंगे प्लांट और ह्यूमन बींग दोनों ही उसके बाद आपका रेस्पिरेशन ये भी बहुत इजी है न्यूट्रिशन बहुत इजी है सर्कुलेटरी सिस्टम और ये एक्सीटरी सिस्टम ये लगा लो ये अप्रोक्स सारे टॉपिक कम से कम आपका सिर्फ पाँच डे लेंगे पूरा इसको एक्सप्लेन करने में पूरा इसको डीपली पढ़ने के लिए आपको सिर्फ पाँच दिन चाहिए और विटामिन ये वगैरह तो याद ही करने हैं तो नॉर्मल है बिल्कुल चलिए केमिस्ट्री की बात करते हैं केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी आती है अगर आप अच्छे से पढ़ें केमिस्ट्री भी आपकी रहती है नाइन टू ट्वेल्व ठीक है नाइन टू ट्वेल्व आपकी केमिस्ट्री रहती है जिसके अंदर मैटर होता है एसिड बेस सॉल्ट होते हैं मैटर आपका नाइन्थ क्लास में है एसिड बेस, सॉल्ट आपका सेकेंड चैप्टर है टेंथ क्लास का केमिस्ट, केमिकल बॉन्डिंग पहला चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ आप एटम ये आपके नाइन्थ में है मोल कॉन्सेप्ट आपके हो गए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टेंथ के चैप्टर में है आपका मेटल नॉन मेटल टेंथ में आपका आता है पॉलीमर्स इलेवेंथ में है आपके सॉफ्ट डिटर्जेंट ये आपके इलेवेंथ ट्वेल्थ के अंदर हैं एटम्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स आइसोबार्स आइसोटॉप्स आइसोटॉन्स इनकी खोज किसने करी थी कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है जैसे एन दे दिया मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड अब ये पूछ रहा है कि एन ए यहाँ पर क्या है तो एन ए यहाँ पर पॉजिटिव होता है और सी एल नेगेटिव होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे फिर है आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी एस पी थ्री एस पी टू एस पी एस पी टू डी बहुत सारी होती हैं ये सारी तो ये सारे कर्म पूछे जाते हैं इनके सीक्वेंस पूछे जाते हैं के पी के सी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हेलाइट्स पूछे जाते हैं डाइपोल मूमेंट पूछा जाता है आपसे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के अंदर मिलेंगे देखने के लिए उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स में तो केमिस्ट्री को भी अगर हम बोले मैक्सिमम मैक्सिमम डे चाहिए आपके ट्वेंटी केमिस्ट्री को ट्वेंटी फिफ्टीन डे आपके बायो को चाहिए ठीक है तो ये आपके टोटल दिन कितने हो गए यहाँ पर थर्टी फाइव अभी तक बायो और केमिस्ट्री को लेकर फिज़िक्स की बात करते हैं इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट्स और उनका इन्वेंशन किसने किया है जैसे आपका लाइट हो गया न्यूट्रन लो हो गया फिर बोरो हो गया हाइड्रोमीटर हो गया ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं उनकी खोज किसने करी थी उनकी यूनिट आपसे पूछ ली जाती है जैसे वर्क एनर्जी पावर मोशन एंड फोर्स इनके बारे में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से बेसिकली एट्थ क्लास का ये हीट का आपका टॉपिक है जो एट्थ क्लास में बहुत अच्छे से दिया गया है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसको फिर आपका है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रो आपका लाइट रिफ्लेक्शन जो लेंस वाले वो सारे हैं लाइट रिफ्लेक्शन हो गया आपका रिफ्लेक्शन हो गया ठीक है उसके बाद उसका डिस्पर्जन हो गया ये सारे आपको करने हैं यूनिट्स करनी है ठीक है एसआई SI यूनिट्स जो आपने पढ़ी होंगी एसआई यूनिट्स जो होती हैं वो सारी आपको करनी है इसके अंदर और उसके बारे में आपको पढ़ना है लाइट कैसे स्कटर करती है कहाँ से कहाँ जाएगी डालोगे तो ये सारा आपको फ़िज़िक्स के अंदर पढ़ना है और आपको यूनिट्स के मेजरमेंट्स भी पढ़ने हैं तो फिज़िक्स के लिए इतना ही है अगर आपको फिज़िक्स बहुत अच्छे से आती है तो तो आपको दस दिन लगेंगे और अगर आपको नहीं आती है फिज़िक्स आप वीक हैं फिज़िक्स के अंदर तो आपको वहाँ पर ट्वेंटी डेज़ लग सकते हैं इन टॉपिक को करने के अंदर करने के लिए क्योंकि इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बेसिकली फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल मिलते हैं वर्क एनर्जी पावर और मोशन फोर्स इस वह से आपका न्यूमेरिकल होता है और आपके जो ये फ़िज़िक्स वाला है जिसके अंदर लेंस के फॉर्मूले वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो ये न्यूमेरिकल्स होंगे आपके और बाकी इसमें से बेसिक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो आ, हमने देखा कि पंद्रह दिन बायो बीस दिन आपके केमिस्ट्री एंड बीस दिन आपके क्या है फिज़िक्स बट फिज़िक्स को मैं ज़्यादा ना लेते हुए सिर्फ दस दिन ले रही हूँ क्योंकि अगर कोई बच्चा जैसे मेडिकल से है तो वो सिर्फ केमिस्ट्री और बायो पर ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि फिज़िक्स उसको कम आती है तो एटलीस्ट थर्टी फाइव डेज में उसके यहाँ पर लगा लीजिए कि साठ में से वो ले सकता है चालीस नंबर आराम से चालीस नहीं तो थर्टी फाइव तो ले ही लेगा और बाकी आपका थ्योरेटिकल जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर अगर आप सिक्सटी भी ले लेते हैं या आप सेवेंटी ले लेते हैं तो आपका यहाँ इजीली क्रैक हो जाएगा स्टेट तो यही स्ट्रेटेजी बनानी है अपने काम को करते हुए अपने सारे सिलेबस को टाइम देना है आप बायो की हर एक वीडियो और केमिस्ट्री की हर एक वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बायो का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसके अंदर जो आज की वीडियो का और इकोलॉजी आपकी होगी ये दोनों ही चैप्टर आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे दो अलग अलग वीडियो मिलेंगे आपको ताकि लेंथी ना हो सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू आर फ्यूचर एंड यूर एस्टेट एग्जाम डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैव अ ग्रेट डे टेक केयर